हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एज प्रॉब्लम बिना एक्स माने हुए, बिना एक्स को माने हुए। पहले देखते हैं इसमें, देखिए क्वेश्चन क्या है। द एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7, 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:4, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका रेशियो लिखिए। हैरी का लिखा हुआ है, हरी का इज टू हैरी लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या, इसका रेशियो कितना दिया, 5:7 दिया, और एक रेशियो कितना दिया, 3:4। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखना है क्या, कि हमें जो रेशियो है ये वाला, 5 में से 7 गया तो कितना 2 हो गया, और ये 4 में से 3 का कितना 1। ये जो डिफरेंस है हर हमेशा किसी व्यक्ति का हर हमेशा एक ही समान होगा। जैसे ये 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तो 2 नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5:7, और ये क्या हो जाएगा, 3:6:8। अब देखिए इसका डिफरेंस कितना 2, इसका भी डिफरेंस कितना 2, यानी हम लोग को कभी भी एज का डिफरेंस सेम होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, 4 ईयर्स फ्रॉम, अब कह रहा है 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 4 साल बाद, यानी देखिए इसमें से इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। 8 में 7 का डिफरेंस कितना 1, और ये कितना दिया आपको, ये दिया 4 ईयर्स, कितना दिया 4 ईयर्स दिया हुआ है, यानी 1 बराबर कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब देखिए हमको क्या निकालना है, फाइंड देयर परसेंटेज, हरी का परसेंटेज क्या होगा, आपको कितना दिया 5 दिया, तो 5 बराबर क्या होगा, 5 बराबर कितना, 5:4 हो जाएगा, यानी कितना 20 ईयर्स हो जाएगा। और इसी तरह ये कितना 7 का हैरी का दिया है, 7 बराबर कितना, 7:4 यानी कितना 28 ईयर्स हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं एज। और क्वेश्चन देखते हैं, अमन्स एज इज 3 times हिज सन 10 ईयर्स एगो ही वाज 5 times हिज सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंटेज। तो देखिए इसमें दिया अमन के एज कितना, उसके पुत्र से कितना 3 गुना ज़्यादा है, यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पर अमन लिखेंगे, इधर में उसका सन का एज, अमन और इसका सन का एज, इसमें क्या होगा, अमन का एज कितना दिया हुआ है, 3 times किस से, उसके सन से यानी उसके बेटे से 3 गुना। और क्या कह रहा है, 10 ईयर्स एगो ही वाज 5 times, यानी 5-10 साल बाद उसका एज कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। इसमें देखिए इसका डिफरेंस कितना दिया है, 2 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसका 2 और इसका 4 हमको बराबर होना चाहिए था, तो क्या आ रहा, हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 2 और 4 का एलसीएम कितना है, एलसीएम ऑफ 2 and 4 क्या हो जाएगा, 4 होगा, यानी इसमें 2 से इसमें गुना कर देंगे, इसमें अगर 2 से गुना कर, ये 4 है, इसमें 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, यानी 3:6, और 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो गया, और इसमें कितना रहेगा, वही 4:1 ये हो गया। अब देखिए इस दोनों का डिफरेंस कितना 1 है, और क्या बोला 10 ईयर्स एगो 10 साल पहले, यानी 1 बराबर कितना हो गया, 1 बराबर 10, तो अमन का एज क्या हो जाएगा, अमन का एज, अमन्स एज होगा आपका कितना, आपको कितना दिया, ये कितना है 6 है, यानी 6:10 यानी कितना 60 ईयर्स हो जाएगा। और इसी में आपका सन्स का एज कितना, सन्स का एज होगा कितना, ये 2 है, 2:10 यानी कितना 20 ईयर्स। इस तरह से आप बना सकते हैं। मेन देखना है क्या, इसमें देखिए एज का डिफरेंस हर हमेशा सेम होना चाहिए, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे भी 4 है, यानी इसका एज डिफरेंस हर हमेशा सेम होना चाहिए, मेन यही। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे देखा द एज ऑफ राहुल एंड सोहन आर इन द रेशियो 5:7, यानी राहुल और सोहन का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:7, 5:7 दिया हुआ, और बोल रहा है 4 ईयर्स लेटर यानी 4 साल बाद
उसके सम यानी उसके एज का सम कितना 56 ईयर्स है। तो इसमें क्या देखिए, इसका भी 4 साल बाद हो जाएगा और इसका भी 4 साल बाद, यानी कितना आपको 8 ईयर्स ये हो गया, कितना हो गया 8 ईयर्स ये हो गया। लेकिन क्या बोला है, अभी हम लोग के दिया हुआ कितना प्रजेंट एज 5:7 दिया हुआ है, आपको कितना प्रजेंट एज ऑफ राहुल एंड सन्स 5:7। तो हम लोग क्या करना है, इसको ऐड कीजिए, 7 और 5 कितना 12 हो जाएगा। और ये देखिए 56 ईयर्स 4 साल बाद, यानी 4 साल इसका, 4 साल इसका, यानी 8 साल बाद है, लेकिन हमको दिया हुआ कितना अभी का दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 56 में से 8 घटा देंगे, यानी 56 माइनस 8 कितना यानी 48, यानी 12 बराबर हम लोग कितना आ गया 48 आ गया, यानी 1 बराबर कितना आपको 4 आ गया। इस तरह से ये राहुल का एज क्या हो जाएगा, राहुल्स एज हो जाएगा कितना, ये कितना दिया 5 दिया हुआ है, यानी 5 × 4 कितना हो जाएगा 20 ईयर्स हो जाएगा। और एक और दिया हुआ है सोहन का एज हो जाएगा, सोहन्स एज हो कितना, ये दिया है 4 × 7 यानी आपको 28 ईयर्स इसका एज हो गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसमें मेन देखना रहता है कि उस दो एज का डिफरेंस क्या होता है, मेन ये देखना है। और वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।